हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे घर पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास सेकेंड की EVS वर्कशीट, जिसका नाम है फूड वी ईट। बच्चों को फूड के बारे में कि कौन सा फूड बेटर है, क्या क्या हमें खाना चाहिए, ये सब इसमें बताया जाता है। चैप्टर में शुरू करते हैं। फूड वी ईट, वी नीड फूड टू लिव एंड ग्रो, इट मेक्स अस स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमें सर्वाइव रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए, बढ़ने के लिए फूड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये हमारी बॉडी को क्या बनाता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है और हेल्दी बनाता है। इट गिव्स एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। और इसके अलावा हमें फूड क्या देता है, एनर्जी देता है खेलने के लिए भी, और कोई भी हम जो काम करते हैं उन सब के लिए एनर्जी देता है। उसके बाद आता है काइंड्स ऑफ फूड। फूड कितने टाइप्स के होते हैं? एनर्जी गिविंग, बॉडी बिल्डिंग और प्रोटेक्टिव। बच्चों को इस तरीके से चार्ट बनाकर आप एक्सप्लेन करेंगे तो बच्चों को बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो एनर्जी गिविंग, एनर्जी गिविंग में कुछ एग्जांपल्स देकर समझाइए, जैसे राइस, पोटैटोस, बटर, चीज़, शुगर, ये सभी क्या हैं? एनर्जी गिविंग फूड हैं। उसके बाद बॉडी बिल्डिंग, बॉडी बिल्डिंग में जिनसे हमारी बॉडी डेवलप होती है, जैसे ग्रेन, पल्सेस, मिल्क एंड एग्स। प्रोटेक्टिव, प्रोटेक्टिव में आते हैं हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल। प्रोटेक्टिव का मतलब है जैसे कि कुछ भी बाहर की जो डिजीज़ होती है या हार्मफुल इन्फेक्शंस होते हैं, उन सब चीज़ों से जो हमें बचाता है वो हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं। उसके बाद आता है मील्स। मील्स आपकी कितने टाइप्स की होती हैं? तो फर्स्ट वन होता है हमारा ब्रेकफास्ट, सेकेंड वन इज लंच, थर्ड वन इज डिनर। अब इसमें ब्रेकफास्ट कब किया जाता है? मॉर्निंग में, लंच आफ्टरनून में और डिनर नाइट में, ये भी बच्चों को पता होना चाहिए। उसके बाद आता है वाटर। वाटर हमारा कहाँ कहाँ पे हेल्पफुल होता है? इट हेल्प्स टू डाइजेस्ट द फूड, फूड को डाइजेस्ट करने के लिए काम आता है। इट हेल्प्स टू थ्रो आउट द अनडाइजेस्टेड वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी। जितना भी अनडाइजेस्टेड वेस्ट होता है वो सब हमारा बाहर निकलता है वाटर की वजह से। वी शुड ड्रिंक एटलीस्ट 6 to 8 ग्लासेज ऑफ वाटर एवरी डे। और हमें हमेशा 6 से लेके 8 ग्लास तक हमेशा पानी पीना ही चाहिए। और बच्चों को भी ये चीज़ ज़रूर बतानी होती है, क्योंकि बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। बैलेंस डाइट, इट हैज़ ऑल टाइप्स ऑफ फूड। जितने भी हमारे सब तरह के जो फूड जो मिलकर बनते हैं उसे हम प्रॉपर बैलेंस डाइट बोलते हैं, जिसमें हम मिल्क, एग, पल्सेस, ग्रेन, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सैलेड, ये सब लेते हैं तो उसको हम प्रॉपर बैलेंस डाइट बोलते हैं। वी शुड ईट अ बैलेंस डाइट टू कीप हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग फॉर एवर। और हमें हमेशा बैलेंस डाइट ही लेनी चाहिए, जिससे कि हम हमेशा स्वस्थ रहें और स्ट्रॉन्ग बने रहें। नेक्स्ट आता है गुड फूड हैबिट्स। इसमें ऑलवेज ईट विथ क्लोज्ड माउथ। हमें हमेशा मुंह बंद करके ही खाना खाना चाहिए, मुंह खोलकर नहीं खाना चाहिए, क्योंकि मुंह खोलते वक्त अगर हम कुछ खाते हैं तो क्या होता है, हवा मुंह में जाती है, हवा के साथ क्या जा सकता है, जर्म्स जा सकते हैं। तो इसलिए भी हमें हमेशा मुंह बंद करके खाना चाहिए, और वैसे भी नहीं सही लगता। डू नॉट ईट अनकवर्ड फूड। और हमें हमेशा जो अनकवर्ड फूड होता है उसको अवॉइड करना चाहिए, उसे कभी नहीं खाना चाहिए। ऑलवेज वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिफोर ईटिंग एंड कुकिंग। हमेशा खाना जो भी हम मतलब जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हम खाते हैं उन्हें हमेशा क्या करना चाहिए, खाने से पहले धो लेना चाहिए, चाहे वो पकाने वाला हो चाहे वो डायरेक्ट खाने वाला हो। Always wash your hands before and after eating food. और खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हमेशा हाथ धोने चाहिए। Do not waste food. और हमें कभी भी waste food नहीं करना। आइए अब कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं। Answer in one word. What makes us strong and healthy? हमें strong और healthy कौन बनाता है? Food.
What do energy-giving foods give us? Energy-giving food हमें क्या देते हैं? Energy. What do we have at night? Night में हम क्या लेते हैं? Dinner. Next आता है. Choose the correct option. We need food to live and sleep or grow. Grow. In the afternoon, we take dinner or lunch. क्या लेते हैं afternoon में? Lunch. When we don't have energy, we feel. अगर हमारे पास energy नहीं होती तो हमें कैसा feel होता है? Tired or sad? Tired. थका हुआ सा महसूस होता है. Next आता है. Fill in the blanks. Bodybuilding food help us to क्या करता है? Grow. We should always eat with closed mouth. At dash we have dinner. Dinner कब लेते हैं? Night. Our everyday dash should contain all types of food. Our everyday meal. Right, true or false? Food gives us energy to work and play. Food हमें क्या देता है? Energy देता है. किसके लिए? Work के लिए, play के लिए? It is true. We should not eat a balanced diet. False. We should always eat with mouth open. False. We should always eat junk food. False. We should not waste food. True. Next आता है complete the following words. यहाँ पे मैंने कुछ spellings लिखी हुई हैं, जैसे जो hard words होते हैं chapter के, उन्हीं को आप इस तरीके से दे सकते हैं. यहाँ पे हमें spelling complete करनी है. तो E N, इसके बाद क्या बनेगा? ये क्या बन सकता है? Energy. Balanced. Afternoon. Habits. Grow. Protective. Breakfast. Muscles. Uncovered. So, जितने भी मैंने चैप्टर में अभी वर्ड्स का जिक्र किया है, सारे वर्ड्स वही हैं. तो इस तरीके से आप बच्चों को लर्न करा सकते हैं स्पेलिंग्स. उसके बाद आता है मैच द फॉलोइंग कॉलम्स. एक तरफ मैंने फूड के मतलब लिख दिए हैं और दूसरी तरफ अलग वर्ड्स लिख दिए हैं. तो यहाँ पर हमें क्या मैच करना है कि कौन सा किससे रिलेट है. जैसे राइस. राइस क्या होता है? राइस को हम स्टेपल फूड बोलते हैं. ये इसका नहीं होगा, बच्चों से भी ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं. हम इसको इसके साथ नहीं लगाएंगे. एग्स हमारा बॉडी बिल्डिंग फूड होगा. मॉर्निंग. मॉर्निंग में मॉर्निंग का आएगा ये. उसके बाद आता है आफ्टरनून. आफ्टरनून में लंच. नाइट में डिनर. तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करा सकते हैं बच्चों की, आपको बहुत पसंद आएंगे. और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए. मिलते हैं अगले वीडियो में.